हमको बोलते भोजपुरी स्टार आ रहे हैं। अरे कहाँ स्टार? ये रवि किशन के साथ कौन गंदी जुराब का ढेर रखा है? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे पति है। नहीं है, नहीं पति है। अरे अरे सॉरी सर, वो कहा है ना हमारे पति की शक्ल एकदम डिट्टो आप जैसी मिलती है। वो भी स्टेशन में कूली है ना। वैसे एक बात कहे, आज हमारे शो पे ना आहा चार चार लकी स्टार आए हैं। अब आप सोच रहे हो कि लकी काहे बोलते, और ऐसी शक्ल लेके अगर स्टार बन गए तो लकी हुए ना। एक बात बोलेगा, ये हमारा शो है, हम इधर बुला के टांग खिंचाई करते हैं। कभी कभी हीरो लोग को बोल देते हैं चुप कर बे, तेरा शकल ही भोजपुरी स्टार जैसा है। आज किसको बोलेंगे? आज आए सारे भोजपुरी स्टार। हमारे तो बोलती बंद कर दिया। वैसे एक बात बोले, आज हम सुबह इतना खुश थे, सुबह उठे अम्मा आज हमारे स्टार आने वाले है, निरहुआ आने वाले है। अम्मा कहती निरहुआ उधर बैठेगा कुर्सी पे? हमने कहा हाँ। तो फिर पब्लिक को चाय कौन बांटेगा? हमने कहा अम्मा काहे बड़बड़ा रही हो, रवि किशन भी आ रहे हैं, रवि किशन। अम्मा कहती का वो आ नहीं सकता का? जिस मजदूर ने अपने हाथ से सेट तैयार किया वो शो पे नहीं आ सकता का? हमने कहा अम्मा काहे बिना बातें बोलती रहती हो, मनोज तिवारी भी आने वाले हैं। हाँ तो वो भी तो आ सकता है ना बेटा, कब तक ऑटो में शूटिंग का खाना लाता रहेगा? आज शो में बैठेगा। और हमने अम्मा को कहा अम्मा ये तो कुछ भी नहीं, नया उभरता सितारा खेसारी लाल भी है। अच्छा उसका लोखंड वाला पान का दुकान बंद हो गया का? वैसे एकदम ड्रेस दादा लगते हैं। वो कहा गए ना हम पगलाए गए। निरहुआ जी को घर गए थे हम, हमने कहा निरहुआ जी हमारे शो पे आएंगे। कहते कैसे चलना है, मीटर गिराएं या शेयरिंग पे? अंदर का रिक्शा वाला अभी भी जिंदा है। क्या है आहा क्या कहे। वैसे एक बात बोले निरहुआ जी, आपकी हमने वो फिल्म देखी थी, आई थी ना नई नई, अम्मा को भैल खुजली बाबा को भैल खाज, अपना निरहुआ अब चलाई हवाई जहाज। ये सस्पेंस यही सस्पेंस फिल्म थी, क्योंकि रिक्शा चलाने वाला कभी जहाज नहीं चला सकता भैया। क्या कहते हो?